नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नंदीकेश ब्लॉग। इस चैनल पे आपको तमाम तरह के बिजनेस की जानकारियां दी जाती है और बारीक से बताया जाता है। हर चीज का आपको यहां पे जानकारियां मिल जाता है। बहुत सारे ने पेस्टिंग कॉपी की वीडियो की मांग की, उसको भी मैंने बना के डाल दिया। तो आप इनसे जुड़िएगा, सर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और तमाम तरह का बिजनेस यहाँ पे आपको बहुत ही बारीक से बताया जाता है। आज जो मेरे साथ देख रहे हैं, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और बिजनेस की जानकारियां इनको भी चाहिए। नोटबुक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इनके मन में कसरत से नोटबुक बिजनेस स्टार्ट करने की, उसी कसरत से यहाँ पे आ चुके हैं। तो इनसे कुछ जानकारियां लेते हैं, इनसे परिचय लेते हैं और उससे बात करते हैं। बताइए आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार सर, मैं लखीसराय से आए हैं सर, लखीसराय जिला से आए हैं, धर्मराय चक से सर। नोटबुक के जानकारी सर। इसके पहले क्या करते थे आप? इसके पहले सिलाई के काम करते थे सर। अच्छा, तो वहां पे कितना आमदनी था और कहाँ ये काम करते थे? सर ये भोपाल में करते सर, इटारसी में। अच्छा, कितना कमा लेते थे सर? वहाँ पे इनकम 30,000 से थोड़ा काम कमा लेते सर, 28,200 बनता था सर। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों आज जो मेरे साथ बैठे हुए हैं ये कुशल कारीगर भी है और भोपाल से चलकर यहाँ पे आए हुए हैं। इनका लखीसराय डिस्ट्रिक्ट घर है और अब भोपाल छोड़ चुके हैं और बिहार में ही रह के अपना स्वरोजगार स्थापित करने का इच्छा जाहिर कर चुके हैं ना? हाँ सर। तो इस ये कहाँ से आपके मन में आइडिया आया, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपको लगा कि यही बिजनेस स्टार्ट करना है और इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, कितने लोगों को रोजगार दीजिएगा? सर शिक्षा कभी खत्म नहीं होने वाला है सर, इसीलिए मैं सोचा कि नोटबुक का कहाँ भी बनाए तो बढ़िया। शीशा नहीं, शिक्षा। शिक्षा खत्म नहीं होने वाला है सर, इसीलिए मैं दिमाग में लिए सर कि नोटबुक बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा, उस बिजनेस बढ़िया है। तो दोस्तों इनको नोटबुक बिजनेस स्टार्ट करना है और ये यहाँ पे आने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं हुआ सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ सर। अच्छा, तो इनको जानकारी चाहिए, मैंने बहुत ही बारीक से इनको जानकारी दे रहे हैं और देते रहेंगे और हम आप समो के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दो तीन दिन से वीडियो नहीं आया होगा क्योंकि दशहरा था, दुर्गा पूजा का उत्सव था, तो हम भी उसी में थोड़ा व्यस्त हो गए थे, लेकिन जैसे ही हुआ तो हम आ गए हैं अपने चैनल पे और तमाम तरह की बिजनेस की जानकारियां देते रहेंगे इस पे। और आज जो बात करने वाले हैं, इनको कैसे बिजनेस का स्टार्ट करना है, ये पहले बेडशीट चादर ये सब का कारीगर है और अच्छा खासा कमा लेते थे, लेकिन अब बिहार में ही रह के रोजगार भी पैदा करेंगे और इस रोजगार के क्रांति में एक अपना योगदान भी देंगे। उस योगदान को हम सलाम करते हैं और इनसे चाहते हैं कि इन जैसे लोग जल्द से जल्द और से ज्यादा जुड़े ताकि बिहार में इकोनॉमी डेवलप हो और बिहार के लोग बिहार में रह के अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए और एक नया बिहार का निर्माण करें। उस नया बिहार के निर्माण करने में इनका भी उतना ही योगदान होगा जितना योगदान तमाम लोग अभी कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या क्या जानकारियां चाहिए यहाँ? सर नोटबुक मशीन कितने प्रकार का होता है सर? नोटबुक मशीन चार प्रकार की होती है, जिसमें कटिंग मशीन, पिनिंग मशीन, स्क्वायरिंग मशीन और एक पैकिंग मशीन होती है और एक पेस्टिंग मशीन भी होती है, लेकिन पेस्टिंग मशीन बड़े स्केल पे जब काम स्टार्ट करिएगा तब। सर और सर नोटबुक मशीन कितने में आएगा और कहाँ से आएगा? नोटबुक मशीन की जो कॉस्टिंग होती है वो लगभग 5.5 लाख तक में आ जाती है और ये पंजाब से आपको अवेलेबल हो जाएगा, पंजाब चील मंडी में। और नोटबुक मशीन लेने के लिए तीन चीज का ध्यान हमेशा आप दीजिएगा, कभी भी एडवांस पेमेंट नहीं करना है, उससे बचना है, वहां जाके मशीन को देख के समझ बूझ करके लेना है, और तीसरा वहां पे ट्रांसपोर्ट में डाल के बिल्टी हाथ में लेके ही घर वापस आना है। ठीक है सर, ओके सर। सर रोल मटेरियल कहाँ से लाएंगे सर? रॉ मटेरियल के लिए आप अपने लोकल डीलर से लीजिएगा, क्योंकि अभी पूरे बिहार में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अपना जाल बना दिए हैं
और बिना डिस्ट्रीब्यूटर के कोई रॉ मटेरियल ले नहीं पा रहा है, लेकिन हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमसे, और जल्द ही कुछ निर्णय आ जाएगा, एक कमिटी बनेगा जिसके थ्रू हम लोग रॉ मटेरियल लेने का प्रयास करेंगे ताकि सस्ता में रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए। सर 10 वाली कॉपी कितने में बनेगा? सर 10 वाली कॉपी 6.5 रुपया में बिक जाता है यहाँ पे, 20 वाली कॉपी आपको 15 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाता है, 30 वाला आपको 24 में मिल जाएगा, और पेस्टिंग कॉपी 40 वाला आपको 33-50-35 में मिल जाएगा। सेल कैसे करेंगे सर? सेल करने के लिए अपने आसपास के जितने भी दुकान है उसको टारगेट करना है, टारगेट करने के बाद आपको उनसे जोड़ना है, और लगभग 500-700 दुकान जब आप जोड़ लेते हैं तब आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा। बचिए उस पे कितना इनकम होगा सर? इसमें आपको इनकम जब आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं सर? 5 लाख के। 5 लाख का अगर आप सिर्फ रॉ मटेरियल लाते हैं तो रॉ मटेरियल पे ही आपको बताया जाएगा, मशीन खरीदने से इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, मशीन आपका पूंजी को डेड कर दी जाती है, और मशीन कमा के नहीं देता है, कमा के रॉ मटेरियल देता है। तो जब भी हमसे बात कीजिए आप रॉ मटेरियल कितना का परचेज करिएगा तब हम बता पाएंगे आपको कितना इनकम आपको होगा। सर रॉ मटेरियल में 2.5 से 3 लाख खर्चा करना चाहते? तो 3 लाख से अगर खर्चा करिएगा तो 1 लाख सेल होगा आपका, 10 से 12 हजार रुपया इनकम करिएगा। इसमें कितना इनकम खर्चा करना पड़ेगा सर? इसमें रॉ मटेरियल में बोले जब 3 लाख कर रहे हैं तो 10 से 12 हजार कमाइएगा महीने का, और इसे ज्यादा खर्चा करेंगे तो कितना? जितना ज्यादा, जैसे मान 3 पूंजी काम करता है इसमें, अगर आप 30 जैसे के मान के चलिए 30 हजार कमाना है तो 30 हजार कमाने के लिए आपको लगभग 10 लाख रुपये का रॉ मटेरियल चाहिए, तब ना 3 लाख का बेचिएगा, 3 लाख पे 10% 30 हजार रुपया होगा। जी सर। और बताइए सर, सर कारीगर का खर्चा कितना लगेगा? सर कारीगर का जो खर्चा आता है वो हर कॉपी पे अलग अलग रेट तय होता है, और आप समझ लीजिए 25 पैसा से लेके 2 रुपया 3 रुपया तक काम होता है, कॉपी का मोटाई क्या है, कौन सा कॉपी बन रहा है, मतलब स्पाइरल वाली कॉपी बन रहा है तो 1 रुपया से ऊपर भागता है कारीगर, और डायरी मतलब बन रहा है तो उसपे उस सब पे 1 रुपया से ऊपर होता है खर्च, और ये जो नॉर्मल कॉपी बनता है उसका कॉस्टिंग 1 रुपया से नीचे आता है, 50 पैसा 25 पैसा हर तरह का अलग अलग रेट तय होता है, वो आपका और आपका जो रहेगा उस हिसाब से तय होगा। जी सर। तो आप यहाँ पे आए हैं, आपको सेटअप कैसा लगा? नहीं। सेटअप कैसा लगा? सेटअप बढ़िया लगा सर। सेटअप आपको अच्छा लगा? यहाँ आने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं हुआ सर। जी जी। तो आज हमसे मिलने के लिए बहुत दूर से चल के आए हुए थे, कहाँ से आए हैं? लखीसराय जिला से, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे, और इनको मैंने प्रॉपर जानकारियां दे दी, और इनको मैं और भी जानकारियां साइड से दे दूंगा, जो आएगा आप लोग देखते रहिए इनको, और थोड़ा हम सेटअप टूर करते हैं, इस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरे साथ हैं, क्या नाम हो आपका? श्री कुमार। श्री कुमार आए हुए हैं, ये आए हैं बहुत दूर से आए हैं, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, और इनको मैं अपना पूरा सेटअप दिखाने वाला हूँ आज, तो वीडियो में आप लोग बने रहें इनके साथ, आप लोग भी मेरा आज सेटअप टूर पूरा कीजिए, देखिए किस तरह से नोटबुक फैक्ट्री में कैसे काम किया जाता है, और किस प्रकार से आप एक अच्छे इनकम करके एक अपना बिहार में रोजगार स्थापित करके एक अच्छा रोजगार देने वाला बन सकते हैं। ये नहीं कि सरकार से रोजगार मांगना है, खुद अपना रोजगार जनरेट करना है, और रोजगार के बल पे अपने आप को एक तरह से क्रांतिकारी लोग बनना है, इस मुहिम से जुड़ना है ताकि बिहार का एक नया बिहार का निर्माण हो सके। उसी कड़ी में आज हमसे मिलने के लिए आए हैं ये, बहुत लोग आते हैं, आज कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके साथ पूरा ब्लॉग दिखाएंगे आप लोग को, तो वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए जरा मेरे साथ आप फैक्ट्री चलिए, इनके मेरे साथ ही आए हैं, देखिए
चलिए कटिंग मशीन आपको दिखाते हैं कैसे कटिंग किया जाता है। ये देखिए अभी काम चल रहा है, तो यहाँ पे आइए और यहाँ देखिए इसी तरह कटिंग मशीन होता है, ठीक है। पूरा बारीक से आप देखिए कैसे कटिंग हो रहा है, देखिए कटिंग मशीन आपने देखा कैसे कटा कॉपी। देखिए कैसे कॉपी कट रहे हैं, बारीक से आप देखते जाइए, समझ रहे हैं। ये हुआ कटिंग मशीन, ठीक है। और इसी मशीन का मेन यूज होता है, और ये मशीन 2 HP मोटर का रहता है और सिंगल फेज जो होता है उस पे ये चल जाता है। ये देखिए फिर काटने के लिए आए हुए हैं, देखिए ये कटिंग करेंगे, ये देखिए घुमाया। और अभी जो कटिंग हो रहा है ये कॉपी को नहीं काट रहे हैं, ये अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर रहे हैं ताकि मोराई में दिक्कत नहीं हो, क्या यही बात बोल रहे हैं ना। ये देखिए आइए इधर कटिंग मशीन देख लिए, अब इस मशीन को जरा देखिए बारीक से। ये मशीन जो है ये मशीन है एज स्क्वायरिंग मशीन, इसमें आपका पाछे वाला जो स्क्वायर होता है इसके पीठ जो बनता है इस मशीन में उस पीठ को तैयार किया जाता है, और जिससे कि कॉपी की खूबसूरती में निखार आ जाती है और बेचने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। तो इस मशीन को देखिए और पूछिए इसमें क्या होता है। इसमें काम होता है पीठ बनता है, और ये मशीन जो है आपका, चलिए पाछे, ये मशीन जो है आपका ये पिनिंग मशीन है, इसमें पिन लगाया जाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आप आ जाइए इधर, इधर आइए आप, कैमरा में हमेशा आने का प्रयास कीजिए, उधर जाइए उधर। ये बनता है पिनिंग मशीन, इसमें पिन लगाया जाता है, और जब कॉपी यहां से मोराई होता है और ये मोड़ते हैं कॉपी को, मोड़ने के बाद इसमें कवर भराई होता है ना जी, कवर भराई के बाद इस मशीन पे आ जाता है, और इस मशीन के बाद इस मशीन पे आ जाता है, और इस मशीन के बाद ये आदमी जो है यहाँ पे, ये क्या लग रहा है, धांग लग रहा है। ये देखिए धांग कैसे लगाया जाता है दोस्तों, ये अभी धांग लगा रहे हैं, कॉपी गन गन के धांग लगा रहे हैं। अच्छा तो आइए आपको मैंने इधर पूरा दिखा दिया, काम आपने सीखा कि नहीं सीखा? सीख लिया सर। किस प्रकार से काम किया जाता है? बहुत बढ़िया प्रकार से काम किया जाता है, कोई दिक्कत? आइए इधर आप, और इधर जो है आपका खाना बन रहा है, देखिए बन रहा है ने? जी सर। यहाँ पे चूल्हा उल्ला है सर, और इधर खाना बन रहा है, इधर भी कुछ हो रहा है? नहीं इधर कुछ नहीं हो रहा है, और इसको फेंक दीजिएगा, सर गया है ना, इसको फेंक दीजिएगा बाहर, और इसको भी आज फेंकिए दीजिएगा, रख लिए थे। तो दोस्तों ये देखिए अब इधर आ गए, इनको पूरा मैंने फैक्ट्री टूर करवा दिया, और पूरा तो दोस्तों मैंने इनको अपना पूरा फैक्ट्री टूर करवा दिया है। आपको फैक्ट्री टूर मैंने पूरा करवा दिया? जी सर। पूरा आप समझ लिए? हाँ समझ लिए। अब जाके वहाँ बिजनेस स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। पूरे प्रॉपर वे में स्टार्ट करिएगा। जी सर। आइए आपके साथ कौन आए हैं? वाइफ आए हैं। अच्छा इनके ये वाइफ हुए, आप इनके साथ मिलकर काम स्टार्ट करिएगा ना, तो दोनों आदमी मिलकर काम स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉपर जानकारी मैंने आपको दे दिया है, आइए इनको मैंने पूरी जानकारी, नोटबुक के रिलेटिव जितनी भी जानकारियां थी पूरी जानकारियां दे दी है। अब बढ़िया से व्यवस्था में नोटबुक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और अपना स्वरोजगार स्थापित कर लेंगे। और जिनको भी नया नोटबुक स्टार्ट करना हो वो आके हमसे मिलें, प्रॉपर जानकारी लें, उसके बाद ही स्टार्ट करें, कोई बहकावे में नहीं आए, सही जगह से मशीन उसीन परचेज करें, और ताकि कोई फंसे नहीं।
सबसे बड़ी चीज होती है फंस जाते हैं, कहीं जाके अगर फंस जाइएगा तो मेरे नाम लीजिएगा, ये सबसे बचना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट कीजिए, सही जानकारी मिलेगा और कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगी। और जिनको भी ये चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, और दर्शकों को आप भी हाय हाय कर दें हाय। और जल्दी से जल्द कोई भी जुड़ना चाहते हैं वो हमसे आए, और प्रयास करें अगर कोई कॉल कर रहे हैं तो शाम 7 बजे के बाद ही कॉल करें, क्योंकि दिन में हम ज़्यादा व्यस्त होने के कारण कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, इससे आपको भी दिक्कत आती है, हमें भी प्रॉब्लम होती है। तो आप 7 बजे के बाद कॉल अटेंड करें, हम पूरा प्रॉपर जानकारी देंगे। टेक केयर दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा।